सुले महाराज तेरी हो नोड़ी ठाई ए धन बोठा मासूले महाराज तेरी हो नोड़ी ठाई ए धन बोठा मासूले महाराज तेरी हो नोड़ी ठाई ए धन बोठा मासूले महाराज तेरी हो नोड़ी ठाई ए पांडो में ओनोड़ो साजी तेरी दे रूटी लाई पांच पांडो में ओनोड़ो साजी तेरी दे रूटी लाई धन बोठा मासूले महाराजा तेरी हो नोड़ी ठाई धन बोठा मासूले महाराजा तेरी हो नोड़ी ठाई नमस्कार। बहुत ही गर्व और गौरव के साथ मैं उत्तराखंड दूरदर्शन से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज आपके सामने मुखातिब हैं और बहुत ही हर्ष के साथ, जैसे हमारे यहाँ जौनसार बावर में एक कहावत है कि नई नौ दिन की और पुरानी सौ दिन की, एक पूरा युग जो लोक संस्कृति का हमारा बीता, हमारा जो गुजरा, हम लोगों ने जौनसार बावर के उस जनजाति क्षेत्र के तमाम जगहों पे जो लोक संस्कृति के अमूल्य कण बिखरे पड़े थे, हम लोगों ने उसको संग्रह करने का एक सफल प्रयास किया है और उन अमूल्य कणों को आज यहाँ पर उत्तराखंड के इस चैनल पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब हमारे इन सितारों से परिचित होंगे तो आप ही हर्ष से उल्लासित होंगे। मैं इन शब्दों के साथ इन महानुभाव को आमंत्रित करता हूं कि जिन लोक कलाकारों में हमारे आध्यात्मिक मंदिर हनोल महासुदेवता की आध्यात्मिक शक्ति है, हमारे खूबसूरती में बुरांस के फूल की खुशबू है और गंगा यमुना हमारी टोंस नदी की पवित्रता है, तो आइए आप सभी लोगों को मिलाता हूं मैं जौनसार बावर के उन दिग्गज कलाकारों से जो एक पूरे 100 वर्ष का अनुभव आपके अंदर लिए चले हैं। सबसे पहले हमारे सामने नारायण सिंह चौहान जी, आप 70 और 65 के वर्ष के बीच का अनुभव रखते हैं और आपने जो सितलू जैसी हारूल है जिसको पूरा जौनसार बावर गर्व से गाता है, आप उस गाँव के हैं। मैं इस कार्यक्रम में नारायण सिंह चौहान जी का स्वागत करता हूं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे दाईं तरफ एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनको देखते ही सार हम लोग अंदर से प्रफुल्लित होते हैं कि 80 वर्ष की उम्र के साथ आप आज भी हमारे लोक कलाओं के तमाम कदमों से कदम कदम से मिलाते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में आपका अमूल्य योगदान है। आप पंडित केशवराम जी, आप ग्राम मैपावटा से हैं। तीसरे नंबर के जो हमारे कलाकार हैं, एक खूबसूरत चेहरा जिनको जौनसार बावर का बच्चा बच्चा जानता है, कई विधाओं से आपका परिचय है, श्री संतराम चौहान, आप ग्राम रिखार से हैं। लोकवाद्य की बागडोर सदियों से पीढ़ियों से जो परिवार अपने कंधों पे लिए हुए हैं, उसी परिवार का एक वंशज लायक राम वर्मा जिन्होंने अभी आगाज किया था रण सिंह के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम का। और मेरे बाईं तरफ एक और ऐतिहासिक कदम, अनिल वर्मा, जिनकी 5 पीढ़ियां लोक संस्कृति के लिए समर्पित हो चुकी है। इन्होंने मेरे को कहते हुए हर्ष है
कि हमारे तमाम जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और आज तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, इस परिवार ने उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आज ये एक फूल आपके सामने प्रस्तुत है। लोक कला के विशेषज्ञ कातकुदास जो उन लोक कलाओं को अपने आवाज़ से गाते हैं, तो फिर से जौनसार बावर का 100 साल 500 साल पुराना हमारा जो इतिहास जाग उठता है। आपसे परिचय कराता हूँ कातकुदास का। और इस पीढ़ी के सबसे नवयुवक जो हमारे कलाकार हैं, हमारे बारुआ भारती, आप इनकी भी कला को सुनेंगे, इनकी आवाज़ को सुनेंगे तो आज के दर्शक का माहौल आपको याद आएगा। और मेरे सबसे प्रिय और सबसे अंतिम परिचय जो इस कार्यक्रम का है वो है सीताराम चौहान। सीताराम चौहान एक ऐसा नाम है जिन्होंने जौनसार बावर की लोक विधाओं को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया है। आज आपकी आवाज़ जौनसार बावर के हर परिवार में, जौनसार बावर के हर मेले उत्सव में और जौनसार बावर के हर ऊंचे स्तर पर गुंजायमान है, प्रकाशमान है। मैं उत्तराखंड दूरदर्शन के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप सब लोगों का तय दिल से बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ बाएं फैलाकर स्वागत करता हूं। आइए कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य भी है कि हम अपनी जौनसारी जनजाति संस्कृति को, जो आज भी गाँव के आंगन में कामयाब है, पश्चिमी संस्कृति के दबाव में, पश्चिमी संस्कृति के आंधी ने जहां कुमाऊं और गढ़वाल को थोड़ा सा संस्कृति को पीछे धकेल दिया है, वहीं जौनसार बावर आज भी अपने पायदान पे मौजूद है। मैं पहली आवाज़ पंडित केशवराम जी को दे रहा हूं जो 80 साल की उम्र के हैं। पंडित जी, कृपया आप बताएं कि जो हमारा एक सबसे पुराना एक लोक विधा का एक कदम था जिसको मौण बोलते थे, और शायद दो तरीके से मौण को मनाते थे, एक मच्छी मौण यानी मच्छी पकड़ने वाला मौण और एक जत्रियाड़ा मौण जिसमें लोग मेले के तौर पे उसको मनाते थे। आज से 100 साल पहले उस मौण की क्या दशा थी और आज क्या है, और आप उसका भविष्य क्या देखते हैं? पंडित जी, कृपया हमारे दर्शकों को आप उस विधा से अवगत कराइए। पंडित केशवराम जी, तो मौण डाई कर्मा शुरू जी। मौण पहले हमारे बेला एक बड़ो मौण डूंगिया रे तो जी, सो वेला से 50 साल पहले वो लो और रहला सो मौण अब कोई गाड़ी में आना और सो जात्रु मौण बोलो तो तू कह जी। श्याया को मौण भी हो तो सो भी अब गाड़ना हो, सो भी 30-35 साल पहले तो अब सो मौण भी आर्ची गो हो तो सो भी जात्रु मौण बोलो थे। और दूजे कोती मौण हो थे आगे भी क्यारे को मौण भी हो तो सो भी अब कोई गाड़ी ना तो ये होते जात्रु मौण और होते जेठो के मीने जी। और जो ओ तो माछी को मौण, तो माछी को मौण खास तौर पे हमारे बिला हो तो तू बोलो खुदनो नदी तो तिमूर पोड़ो गाड़नो तब तिमूर पोले कांडीबोर का हो तिमूर तब कांडीबोर का जो तिमूर हो तो तू के काटी करो तब थेची करो तो पानी जो लाकड़ू हो तो के छेल के दूर गाड़ ऊँडे और तो तू छेल की तब कुटी करो गुतू दो गुतू हों डूंगरों के काठों के गुतू हों तब बूझी करो तब गोट को तत्व पीदी करो तब तत्व को माछी मारनों छोड़ हों तो तत् मुझे हजारों लोग आओ तत् मोणो के तो से मोण भी हमारे बिला निमची रो है एट सुनो जे ओगलाड़ी को मोण एक जो एब गाड़ो चौथे पांचवें साल से क्योंकि 200 दाओ को पड़ो गाड़नो बाकी माछी के मोण से गाड़ना और दूरों दूरों की खोती गाड़ो थी जो कोरू गाड़ो थे शेली गाड़ो थे बुणगांव गाड़ो थे और तपलाड़ गाड़ो थे। अच्छा अच्छा ठीक पंडित जी, या तो मोणो का एक बहुत अच्छी जानकारी देनी दर्शकों को जो भी है तुक जानना चाहो ले मोणो को कुछ विशेष गीत बस पतो बहुत बढ़िया। अच्छा एक की बात थी मैं चौहान जी आपसे उसको बांटना चाहता हूँ। एक हमारे तो आरुली का भी दौर, आरुली का मतलब पूरी गाथा पूरा इतिहास, और ये भी एक आप लोगों को इस बात का धन्यवाद कि जौनसार बावर का पूरा जो इतिहास हो वो गीतों पे ही जिंदा रहा। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में नारायण सिंह चौहान जी हैं। इनके गाँव में वो व्यक्ति जन्मा है जिस पे हमारा इतिहास कायम है और तेज को नाम तो सितलू चौहान जी। सितलू के बारे में मुझे दो शब्द बता दीजिए। पहले ऐसा था कि अपने अपने ढंग का चरान चुगान होता था अपने अपने क्षेत्र में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वो दूसरी जगह से आया कांडी वाला। अच्छा उसने यहाँ लाया तो हमारे यहाँ खबर हुई तो हम यहाँ गए वो भेड़ भगाने लग गए इसने इतिहास बने। अच्छा तो दो लाइन जो तुम कहा दो लाइन आप सुना दो सितलू हारुल की। ये पुलो ले पुलड़ू रे पुलो ले दाए तो
ए पुलड़ू रे पुलोरी ए दाए तो बेड़ो रे सिरू रे पुलोरी जाए तो से जी गोई खबरो पानी बहुत बढ़िया जाए तो से जी चारो मारे आओ दी मुई रे जाए तो तेरो जाओ सिरू रे मुई रे जाए तो बेटू लागा मोड़ पांगा मुई रे जाए तो करो तो बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद चौहान जी। चौहान जी आपसे एक प्रश्न है, आपने जीवन की कुछ ऐसी घटना शौक है सुनाई जो हमारे हेतु पूजा पाठ मुझे कहे कि पूजा मुजा मेला वास्ता रखू जो सार बाबर मुझे तो ला बहुत तो रीति रिवाज था। वो रीति रिवाज से ऐसा था, एक तो से वो तत्व कई घूमते तत्के ऐसे घूमते है कि एक तो तत्व प्रेम एकता गांव का समाज गांव का अनुशासन हमारे तो ऐसा बढ़िया तो ईमानदारी थी जी। ईमानदारी भी थी तत्ली दो तीन फायदे थे। ये भी जो तोला भी तोला ही जो पूजा पाती करो थे ब्राह्मण पूजो थे तेला तो एक्सरे ले पता नहीं मशीन लागू तोला से किचन था तो तोला इच्छा ये तो बढ़िया है कि जो हमारा ब्राह्मण भी हो से सेंदूरता मोत्र सिंदूर तो जो हमारी वो भी महिला बेटकुड़िया तीनों तो अस्पताल के तब ना तो जो मरने पर ले जाते जी, जी, जी। तो तला तो का एक बहुत बड़ा ये था जो एला ब्यामू का आदा जो हमारी माँ हमारी दादी नानी तीनों देव का हम पूछ दूँ था ब्राह्मणों से तो से उतरले ही फायदा जो के से होला लेकिन साथ रहती थी कड़ियोली चौदो चो मंगड़ू है तोला ले पणी मेत्रे बुई दाओ तार का करे मामिला जो दार शांति करिया कुकुड़ी साय लोड़ी पाठ तभी पूजा बोरामणा श्रेणी रे गाट ये चौथी मात्रिया अच्छा तो कौशी पान लागू तो लोग अच्छा तो कौन तो है तो तुम जान ही नहीं आजकल लागो तो जब लो से दुई किसम जब से मोहतरों भी तो से सुनो काली काली माँ काली बर्मा की बेटी जहाँ बेजवानी जाली गोरखनाथ का मात साली खिचड़ी है तू बुचरी है तू डुकते कुत्ते भुगते पत्थर चली आई लोहा बेचे लोहा भी तोड़ी का तुस्पिन को निर्माण दे तब से वो सिर्फ लीका जाऊँ तो जो सो लागो भी तो सो दूर तो जाऊँ बहुत बढ़िया बहुत तो लगता था ना बहुत बढ़िया तो उसका जोशाम लिखा दे ना जाए ना दूर। चौहान जी बहुत अच्छा बहुत बढ़िया लगा। आज का जमाना अब आधुनिक मंच का है तो मैं सबसे पहले सीताराम चौहान जी आपसे प्रश्न करता हूँ कि आज का आज के युग का आज के माहौल का आज के इन मेलों का जो सबसे सुपरहिट गीत है जिस पे आज का सांस्कृतिक माहौल टिका है सबसे पहले आप एक अपना पसंदीदा गीत सुना दीजिए हमारे दर्शकों को आपके बहुत से प्रशंसक हैं। जी जी धन्यवाद जी जी। तो ऐसे तो बहुत सारे गीत हमारे जौन सार में जो प्रचलन में चाली हैं लेकिन लेटेस्ट में जो हर माहौल में जो चालो तो बिडरू वाला गीत जो बहुत अच्छा है तो उसकी मैं दो चार लाइन जी 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 इन देश बिलू रे पौने नाचे कुणी ना नाचा घोटिया नाचता पोड़ा बिडरू दूंडो कोटड़े कोटड़े बुटिया देश बिलू रे पौने नाचे कुणी ना नाचा घोटिया नाचता पोड़ा बिडरू लूंडो कोटड़े कोटड़े बुटिया कोटड़े कोटड़े बेटिया देश बिलू रे ओ कोटड़े कोटड़े
कोटड़े बोटिया तुम्हें बोटिया अपने ठाणो दे कोटड़े कोटड़े बोटिया तुम्हें बोटिया अपने ठाणो दे देखिया तुम्हें बुरो नु मान्या तो मसे सब के लाणो दे देश बिलू रे बहुत ही अच्छा देश बिलू रे पाऊणे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखा आप लोगों ने, यह है सीताराम चौहान का जलवा। कातकुदास, जैसा मैंने कहा कि अपने एक आवाज के बादशाह, जौनसार की लोक आवाज आप में बसती है, तो कातकुदास जी आपसे निवेदन है कि सबसे पहले जंगू, एक जंगू और जंगू के बाद मलारी, ये दो दो लाइनें सबकी आप गा दो हमारे दर्शकों के लिए। जुड़ी बोले नानिए जाती हो, ये है लोक आवाज। जुड़ी ढूंगियाली सेरी ई और वे खेली जाती रो। बहुत बहुत खूबसूरत। ई मोई हेरी ली मुएटी तेरी राजी रो। मलारी मलारी के दो लाइन की सोलारी बोलू गोजूले मोलारी कुणे जी जाय रोली लो जीते को जा तो ने दो गोजूले उड़ाड़े देखा। ईमानदारी से बताना कि ये जो लोक आवाज है ये आज पहाड़ों की उन वादियों में बहुत कम सुनने को मिलती है। ये पूरा एक अर्ध सेंचुरी के कलाकार हमारे पास हैं। इन लोगों ने हमारे 50 सालों की जो संस्कृति है उसको अपने अंदर जमा के रखा हुआ है। इसी के लिए एक भारवा भारती से, क्योंकि सबसे छोटे उम्र के कलाकार हैं, आप दो लाइन का एक ऐसा गीत सुना दीजिए जो आज के माहौल में प्रचलित है, जिसको आज का युग गाता है। के साथी बिछोड़ कांदे अटके रूम जुम तारा रा गोरा के कटके बिजोरा के साथी बिछोड़ कांदे अटके चुप चुप के चेड़ू वो एरो दी कोई के नोटी मेरी गोरा चुप चुप के चेड़ू वो एरो दी कोई के नोटी मेरी गोरा ताला बे ताला पिड़ रुना चो गोरा
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और अब बढ़ते हैं आगे फिर अपने इस अंतिम पायदान की तरफ। मैं चौहान जी से उस प्रश्न के बारे में पूछना चाहता हूं जो हमारा बिरसू से संबंधित गीत है, क्योंकि बिरसू को भी हिमाचल ने भी गाया, गढ़वाल ने भी गाया, रवाई ने भी गाया, जौनपुर ने भी गाया, और जौनसार के तो घर घर में गाया जाता है। बिरसू की जो कहानी है, किस तरीके से वो घटी थी, और उस गीत की जो दो लाइनें हैं, क्योंकि आप उसके बिल्कुल पास के और एक हिसाब से प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के, तो चौहान जी कृपया दो लाइनें आप उस विषय में बताइए। भारती जी, ऐसा हुआ जी, जो एक बिरसू वाली प्रथा है जी, जब बाउट क्षेत्र में जो है जहाँ हंडोल महासिम देवता रहता है, जो आजकल सब दुनिया में जानते हैं जी जी जी, तो यहाँ जो इस बाउट क्षेत्र में जो एक युग में मतलब एक राक्षस होता था, और राक्षस होता था और जो है यहाँ पे जो आदमी खाने लग गया, उनको तो खुद ही बल्ली रखनी पड़ती थी, नहीं तो फिर जो है घर घर में जाता। ये राक्षस वो किरमिर दानो जी जी, किरमिर दानो जो पैदा हुआ तो फिर जो यहाँ भटकने लगे लोग भाग कि अब कैसा करे। तो यहाँ से जो है मतलब तो एक पंडित रहता था जिसके पास 7 लड़के थे, 7 लड़कों खत्म करके जो है मतलब जो पालुए देते थे यहाँ पे, तो 8वें पे बारी आई। अच्छा, 8वें पे बारी आ गई तो फिर जो है ये परेशान हो गया। तो पैदा क्या हुआ इसी महासिब देवते का कि अब ये क्षेत्र खत्म हो जाएगा इस दानों से, जो खत्म हो जाएगा तो फिर जो है भंटा पानी का जो है वो घूमने लगा तालाब में जिधर से वो पैदा आता था वो खाने। तो अब वो अपने दिल में विचार करने लगा कि भाई ऐसे इस तरह तो हमारा तो खत्म काम हो जाएगा, तो इसको स्वप्न जैसा लगा। अच्छा, तो इस समय जो है महासिब देवता उना भाट जो था, उना भाट ने जो है महासिब देवते का सबसे पहले पर्सन उना भाट से लगा वो। अच्छा, और इसको स्वप्न लगा कि इधर आ जा, इस दानो खत्म करने वाला आपके बाउट क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई है ही नहीं है, अगर इधर आ जा, अगर यहाँ जो है देवते का कुछ हो जाएगा तो देवता खुद ही कर लेगा इस चीज को जो है। तो सोपने में सोपने से चला वो यहाँ पे। अच्छा, तो उना भाट वाली बात आई है। अब आया महासिब देवता होनोल जी, तो महासिब देवता तो उना भाट के समय आया था जी, 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 जी। अब वो आया तो अपने क्षेत्र बांटने लगा, क्षेत्र बांटने लग गया, जिसने सोचा कि जो हमारा यहाँ का कारोबार वो किससे चलेगा जी, जी। तो बिरसू जो है वो हमारे खत में से, अपने खत में से। अच्छा, बिरसू खत का नाम क्या पड़ता है? मंगटार, हमारा मशक खत, शिलगांव खत है। तो यहाँ के लिए संदेशा भेजा उन्होंने जी, कि उन्होंने पकड़ना था अपने इसके लिए, बिरसू के लिए संदेशा हनोर से आया। अच्छा, क्योंकि इस क्षेत्र में भेजना था। अच्छा अच्छा, जो पाली तरफ है ना, यहाँ को, यहाँ के लिए भेजा, तब बुलाया गया बिरसू यहाँ के लिए। तो जब वो बिरसू वो पाथा लेके देवता का, जब वो गया ना बिरसू के पास, जो उन्होंने दिया ना वो पाथा, बोलते सोड़ा बोलते थे, सोड़ा बोलते थे, किससे लाना एक एक उठा करके, वो चांदी का वो था, इसका भार भार जो है इसे देते थे, इससे तो तिवड़ी में आया, तिवड़ी से जो इसके जो है मतलब इस समय अब तो पुलिया है, सड़कें हैं, इस समय तो बाबल का वो बनता था रसा, इसको पार करना पड़ता था तो उसके ऊपर। अच्छा ना, मैं ये कह रहा था कि जो गीत को, जो गीत कौन सा है जिस पे वो इतिहास जिंदा है, उस गीत की दो लाइने अपने दर्शकों को हम सुनाना चाह रहे थे। पुलोले पुलड़ू रे पुलोले दाए बिरसुमा ते तो आहो रे बोलाए बोर में ना जाए बिरसू बोर में ना जाए बोर में ना जाए बिरसू बहुत बढ़िया ये है वो गीत ओड़ी बारा सोरा गोदा काई के मासुआ मुहनोड़ी बोदा बोर में ना जाए बिरसू बोर में ना जाए बोलाया राजा का पोड़ा काम ओ बोर में ना जाए बहुत बढ़िया बोर में ना जाए बोर में ना जाए मेरे सु बोर में ना जाए ओ तीखो खाए बिरसू आमी टोड़ो कानो काने पोड़ो आयो बांडो किरणी के जाड़ो बोर में ना जाए मेरे बहुत बढ़िया बोर में ना पुलोले 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 जाए बिरसू मोंगे
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चौहान जी, आप बहुत बढ़िया, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच गई और बहुत ही अच्छा रहा कि बिरसू एक ऐसा प्रसंग है जो हमारा इतिहास दोहराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न फिर इधर नौजवानों की तरफ से, ऐसा कोई गीत गाइए जिस जो माघ के महीने में हर गांव के हर आंगन में हर परिवार में लगता हो, जिससे माघ की जो रौनक है वो यहाँ पे एक बार हमारे दर्शकों के सामने साकार हो जाए। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गीत हैं जो माँ को मीने चालो या तो हर त्यौहार में चालो, लेकिन विशेष कर बात ये कि जो चाहे हमारे बुजुर्ग भी है, बुजुर्ग से हम जो विरासत में लागे मिले हारुल जो हमारे एक जो हमारे जौनसार बाबर का जैसे भी एक ऐतिहासिक गाथा है अनंत राम नेगी की, बहुत सो अला जो जोड़िए जागो चाहे वो बीसु गोनी आतो तो से हारुल अनंत राम नेगी जी जिन लगदी लगदी जरूरी है, चाहे वो गायन का गीत हो चाहे वो आंगन का गीत हो, हमको उस विरासत में दी है तो हमें भी उसको आगे तक अपने बच्चों तक उसको हारुल को अनंत राम नेगी जी को उस इतिहास के बिल्कुल बिल्कुल। और इस हारुल को गाने से पहले मैं समझता हूँ दो शब्द ये इसलिए बता देता हूँ कि जो गीत आपने चुना अनंत राम नेगी, अनंत राम नेगी वो वीर रहा है जिसने मुगलों से हमको बचाया। जब मुगलों ने आक्रमण किया था जौनसार और हिमाचल पे, तो पाउटा में उनकी एक पूरी फौज आ गई थी। गीतों के माध्यम से शायद सीताराम चौहान जी उस शब्दों को दोहराएंगे कि 9 लाख छोलदारी 6 लाख गोड़े आगले पानी पियो पोचले पांग चाटो, इतना बड़ा एक जलसा आया था हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए, और नंतराम नेगी जी ने उल्टे पाँव उनको लौटाया था। कैसे? सीताराम चौहान जी। मोड़ाए मोड़ेरी मोड़ाइए लाकेरी मो मोड़ाए मोड़ेरे मोड़ाइए लाकेरी मो मोड़ाए मोड़ेरे मोड़ाइए लाकेरी मो मोड़ाए मोड़ेरे मोड़ाइए लाकेरी मो मोड़ाए तूड़ी रो पाउटे दामू मिलो मोड़ाए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माफी चाहता हूँ क्योंकि प्रसंग बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, तो समय का भी ध्यान रखते हुए एक और प्रस्तुति जो बहुत अनूठी है, बहुत अनुपम है, मैं चाहता हूँ एक नरोगा बांध, एक ऐसा प्रसंग है हमारे यहाँ एक सत्य प्रेम कथा पर आधारित, जैसे गजमोला है और वैसे ही एक नरोगा बांध का भी एक प्रसंग है, तो क्योंकि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो प्रसंग छूट ना जाए इसलिए मैं, एक कातकू दास है जिनको देवीदा के नाम से भी जाना जाता है, मैं चाहता हूँ दो लाइनें नरोगा बांध की गा दीजिए। सुनिया तो सुनिया डोलू, क्या बात है, बहुत मुझो बेटा है बुआरी लौड़िया को थुकी माये बाकी ना माते डोई को माया
जानी बेटा डोलू बासा पाइले गो रे ओ जानी बेटा डोई को माया किए पाइले गोरे नोठी गुआ डोलू बासा कोठिया को दारो लाओ पापिया खोलिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि आपके ये गीत, आपकी ये लोरियाँ सुनते ही जाएं, क्योंकि इसमें वो लोक आवाज़ है जिसमें मन अंदर से पुलकित होता है, हर्षित होता है और पूरे हमारे अंदर के रोंगटों में वाइब्रेशन हो जाता है जो इन गाथाओं को समझते हैं। हमारा इष्ट और आराध्य देव श्री महासुदेवता, उनका जो मंदिर है वो पांडव निर्मित है, पांडव ने बनाया है। गढ़ बहराट जहाँ पर पांडव ने वेश बदल कर एक वर्ष तक वहां पर नौकरी करी, वो गढ़ बैराट आज भी वहां पर प्रमाणिक तौर पर जिंदा है। गंगनाड़ी का पानी जहां पर अर्जुन ने अपने गांडीव से एक सूखी चट्टान से श्वेत जल धारा निकाली थी, आज भी वहां पर मौजूद है। बिजू की वो बणी जो लाखा मंडल से ठीक सामने है, जहां पर पांडव ने आखेट किया था, शिकार किया था, आज भी जिंदा है। मैं जौनसार बावर को इस बात के ऊपर गर्व के साथ प्रस्तुत करता हूं कि हम लोगों ने पांडव का वो वाला इतिहास अपने भूमि के, अपने मातृभूमि के अंदर समेटा हुआ है जो आज विलुप्त हो रहा है, जो आज हम खोता हुआ पा रहे हैं, जिसका हम लोग अपने सार्वजनिक प्रचार प्रसार के अभाव में हम उसका अस्तित्व खोते जा रहे हैं। आज इस दूरदर्शन के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश और दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि पांडवों का वो प्रसंग आज भी वहाँ पर जीवित है। हमारी ये ताकत नहीं कि हम किसी मंच पर गा करके पांडवों को बुला लें, उनको अवतरित करें, उनके लिए एक विधिवत एक पूजा की पद्धति है जहाँ पे हमारे युधिष्ठिर, लंकुन, सहदेव, भीम, अर्जुन, कुंता, द्रौपदी, हम ये सब किरदारों को अवतरित करते हैं और उस आह्वान के लिए ये यहाँ पर जो हमारे देवतुल्य बुजुर्ग हैं इनके अंदर वो आवाज़ है जिससे वो अवतरित होते हैं। हमारे ये पवित्र ढोल है जिसको उत्तराखंड राज्य ने राज्यवाद्य यंत्र का दर्जा दिया है। ये सब वो अमूल्य चीज़ें हैं हमारे पास जिसके ऊपर उत्तराखंड गर्व करता है। और आपके संतुष्टि के लिए मैं दो लाइनें सुनवाता हूँ कातकुदास से। अगर आपको भी लगे कि ये देववाणी है तो जरूर अपने मन से हमको दुआ दीजिए और हम कलाकारों को अपना आशीर्वाद दीजिए। कातकुदास, पांडव का एक बाकने वाला प्रसंग, दो लाइन का, आपसे मुखातिब कातकुदास। ये सुनी जाया पांडो हे मेरी मारी ना भी बिता कि ना भी जाड़ो जो दिया को दी तुम्हें गुंगो ना बाउड़ो कोई की। मेरी सोतवारी माता ही जारे सोते कूदो मेरो ये जो पंडो आनो दोलाए पैदा हो जाला कोई की। ही मेरा कालिदासो डाकी ही पुनी बो जाई देला मेरी ही बुआ नाती जाले जे ही पाचो भाई पानो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये थी वो पांडवों का वो प्रसंग है जिसके माध्यम से हर किरदार को बुलाया जाता है और कार्यक्रम को बिल्कुल अंतिम क्षणों में दोबारा से फिर पंडित किशोरराम जी के पास चलते हैं। बोजी स्याणा सिया रामाले डुई के लागी बोले आगाले ताले मारो बोले बीचाले ताले मारो बोले बीचाले डुई के लागी बोले आगाले बोचायो भी बोले की चाले मोवा लाई तो बोले पूरोले मोवा लाई तो बोले पूरोले उरो जोनो बोले सो बाले मोनो भी को बोले पूरोले। मैं दूरदर्शन उत्तराखंड के
माध्यम से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, और अब लास्ट वाला जो गीत से हम एतु बताज दऊ या एतु कार्यक्रम का समापन करी कि एक तो रैना रात से रैना रात कि जो जोड़ी का जो एक हमारा एवता जब जो जोड़ा वही जाओ था जी सके एक रैना रात लाओ थे ये एवं हमारे एतु कार्यक्रम को एक समापन को अंतिम गीत दो। और एतु अंतिम गीतों के साथ ही हम आप सब दर्शकों से विदा लेते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम का महत्व आप अगर जानेंगे तो इस रूप में कि आप भी अपने हर त्योहारों के लिए गांव जाएं, घर जाएं, पहाड़ों में जाएं और इन रिवाजों की चर्चा जरूर करें क्योंकि गीत तो केवल गीत है लेकिन इसके पीछे तमाम अच्छाइयां हैं जो तभी पता चलती है जब हम इन मेलों उत्सवों को नाच गानों को करते हैं। आइए उस गीत को गाते हैं जिसको इस रूप में गाते हैं कि अब सवेरा हो गया। तो हम भी यही चाहते हैं कि जौन सारी संस्कृति का जिसमें कभी भी रात ना हो, उजाला ही उजाला हो, सवेरा ही सवेरा हो। तो मैं सीताराम चौहान जी से और बल्कि सबसे ये चाहता हूं कि इस गीत को सब लोग गाएं, सब लोग रैण रात Ciao, ciao, baby. Ciao.